हे हेलो एंड वेलकम टू अवर कार सीरीज़। और आज हमारे सामने है द ऑल न्यू मारुति अर्टिगा VXI मॉडल 2024 वाला। आप ये मॉडल देख रहे हैं तो देख सकते हैं अर्टिगा को काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। अर्टिगा का कभी भी जो मॉडल है वो कभी बिगाड़ा नहीं है, हमेशा से ही बहुत अच्छा सा मॉडल ये बनाती रही है कंपनी। सामने की तरफ क्रोम फिनिश में आपको डिज़ाइन मिल जाती है एस का लोगो, और जो यहाँ पर विंग्स दी हैं इस साइड की, ये भी आपको क्रोम फिनिश में यहाँ पर मिल जाती हैं, जो काफ़ी अच्छी लगती हैं दिखने में। तो इस वाले मॉडल में आपको प्रोजेक्टर में हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, और जो टर्न इंडिकेटर वगैरह हैं वो कुछ इस तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और नीचे फॉग लैम्प यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर फॉग लैम्प है। आसपास ये क्रोम की फिनिश भी जो एड की गई है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने में लग रही है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं गाड़ी के। और जो पहले जो अर्टिगा आती थी उससे जो डायमेंशंस में बड़ी की गई है इस बार, तो लेंथ वाइज काफ़ी अच्छी ये गाड़ी बनाई गई है। 7 सीटर पर्पस, ये सबसे बेस्ट गाड़ी अभी तक की सेल होती है अर्टिगा इन द कार मार्केट इन ऑल ओवर द इंडिया। तो ये काफ़ी जो रिलायबल है गाड़ी वो मानी जाती है सुजुकी की तरफ से, क्योंकि सुजुकी एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको सर्विसिंग और पार्ट्स अवेलेबिलिटी जो रहती है वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे रहती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर अगर टायर साइज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 185 65R 15 इंचेस का यहाँ पे जो व्हील है वो मिलता है स्टील रिम के साथ, आपको यहाँ पे जो व्हील दिया गया है इसके वो अपर वेरियंट्स में आपको एलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस VXI मॉडल में आपको स्टील रिम के साथ ही दिया गया है, और ये है ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ में, ये काफ़ी सही चीज़ है इस मॉडल में। आपको यहाँ पर ये जो नॉर्मल वाला नहीं मिलता, अच्छा वाला यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर के साथ है वो ORVM मिल जाता है। वाइट कलर में यहाँ पर डोर हैंडल हैं वो मिल जाएंगे, देख सकते हैं। तो अब आते हैं बैक लुक पे, तो ये है भाई गाड़ी की बैक लुक्स, देख सकते हैं कितने अमेजिंग यहाँ पर बैक लुक्स बनाए हैं गाड़ी के। काफ़ी अच्छे जो डिज़ाइन है टेल लैम्प्स के वो दिए हैं। नीचे की साइड यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, पीछे क्रोम फिनिश, अर्टिगा की बैजिंग यहाँ पर है, और ये सुजुकी का लोगो, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ये स्मार्ट हाइब्रिड की ये टेक्नोलॉजी है वो इसमें दी गई है। तो कुछ इस तरह के यहाँ पर है डिज़ाइन, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ पर मिलता है, रूफ पर भी थोड़ी सी डिज़ाइन देखने को मिलेगी, और नीचे कैमरा आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं या फिर एसेसरीज में ऐड करवा सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स 1, 2, 3 और ये 2 इधर, 4, टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर है। स्पेयर व्हील देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्पेयर व्हील है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी शानदार है इस गाड़ी का। एग्जॉस्ट टेल पाइप, तो कुछ इस तरह के यहाँ पर गाड़ी की ओवरऑल जो लुकिंग है वो मिलती है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। ये है भाई गाड़ी की लुकिंग, काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर लेंथ दी है गाड़ी की। गेट प्रोटेक्ट के लिए एसेसरीज़ देख रहे हैं, ये आफ्टर एसेसरीज़ में लगाई गई हैं बाद में, तो आप इनको फिट करवा सकते हैं। तो अगर गाड़ी की प्राइस की बात करें तो 983,000 रुपये एक शोरूम कीमत है इस अर्टिगा के VXI मॉडल की, जो कि पेट्रोल के अंदर है। CNG में ये प्राइस थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पेट्रोल वर्जन आप ये देख रहे हैं जिसकी कीमत 983,000 है, 9.83 लाख रुपीज़ एक शोरूम। एक्सटीरियर की बात अब हम इसके इंटीरियर चेक करते हैं, उसके पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ कि किस तरह की आपको की मिलेगी। तो ये है इस तरह की, यहाँ पर 2 स्विचेस दिए गए हैं हर एक रिमोट की पे, दोनों रिमोट कीज़ यहाँ पर यूज़ की गई हैं। सुजुकी का लोगो यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी अच्छी की बनाई है वैसे। तो की के बाद अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ, इंटीरियर्स कैसा डिज़ाइन किया है वो देख लेते हैं। चलिए, तो भाई ये हैं बेज कलर में इसके इंटीरियर्स। अर्टिगा के इंटीरियर्स रियल में शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं, बेज कलर का कॉम्बिनेशन हमेशा से ही आता था। तो इसमें आपको जो स्टेयरिंग का जो कलर है वो भी बेज कलर में ही मिलती है, स्टेयरिंग व्हील भी देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटीरियर्स हैं। और ये सीट कवर्स ये बाद में एसेसरीज़ के द्वारा लगाए गए हैं,
इस वाले मॉडल में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ सीट्स मिलती हैं, तो कवर लगाए गए हैं वो भी काफ़ी प्रीमियम है। देख सकते हैं यहाँ पे एसेसरीज़ में आपको इस तरह के कवर मिलते हैं। और ये आपको यहाँ पे जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, इसमें आपको नॉर्मल जो सीट है वो दी गई है। तो ये है इंटीरियर काफ़ी शानदार। और ये डोर की बात करें तो कुछ इस तरह का यहाँ पर डोर मिलता है, ये भी बेज कलर के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। क्रोम फिनिश का ये डोर हैंडल देख सकते हैं कितना प्रीमियम लग रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM यहाँ पर दिए हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से ORVM है। लॉक एंड लॉक के लिए यहाँ पर स्विचेस दिए हैं, चारों पावर विंडोज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। हार्ड टच मटेरियल का यहाँ पर यूज़ किया है। और ये ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर एक यहाँ पर आ जाता है, काफ़ी अच्छी स्पेस है। और पीछे यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। यहाँ पर स्पीकर देख सकते हैं कुछ इस तरह के स्पीकर हैं यहाँ पे। तो टोटल 4 स्पीकर तो आपको गाड़ी में मिलते हैं, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इंजन। तो यहाँ से इंजन ओपन होगा, तो इंजन देख लेते हैं पहले इंजन कैसा है। यह है इंजन भाई, इसमें मिलता है आपको 1500 cc का 4-सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 101 BHP की पावर और 136 Nm का टॉर्क। देख सकते हैं 20 kmpl की जो माइलेज है वो क्लेम करती है मारुति इस इंजन के साथ में। तो इंजन काफ़ी भरा हुआ सा है, कोई ख़राब वाली इसमें बात नहीं है, काफ़ी अच्छा है। इसमें रिलायबल इंजन दिया है अर्टिगा के अंदर। तो ये है कुछ इस तरह का इंजन, यहाँ पर बैटरी, और यह है लेआउट पूरा टोटल। ऊपर भी की साइड भी आपको इंसुलेशन मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इंसुलेशन है, इससे बाहर नॉइस कम आएगी इंजन की। तो ये हो गया इंजन का पार्ट, अब हम चलते हैं इंटीरियर्स के अंदर। इंटीरियर्स में ये हो गई भाई, अब चलते हैं बैठते हैं इंटीरियर्स में, एडजस्ट कर लेते हैं सीट को। तो भाई ये है स्टीयरिंग व्हील, देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स दिए हैं, मोड के स्विचेस दिए हैं, वॉल्यूम म्यूट करने के लिए यहाँ पर स्विच दिया है, कॉलिंग कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हैं, और सुजुकी का लोगो, सेटिंग सिल्वर फिनिश यहाँ पर, और ये क्रोम फिनिश में दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिस पर बीच में MID यहाँ पर मिल जाएगी। और ये है आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें दी हैं, फ्यूल मीटर यहाँ पर दिया है। तो गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो ये हो गई गाड़ी ऑन, सुजुकी का लोगो वेलकम स्क्रीन पर आता है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं वो दी हैं, इंडिकेटर वगैरह की जो ब्लिंकिंग है वो दे रहे हैं, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं, और भी थोड़ी सी चीज़ें और भी इस पर डिस्प्ले होती हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और अब यहाँ पर बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये सिंपल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया है, जिस पे आप रेडियो, MP3 वगैरह यहाँ पर सुन सकते हैं, और सेटअप मीडिया वगैरह के लिए थोड़ी सी स्विचेस यहाँ पर दिए हैं जो कि फेदर टच के साथ आते हैं। यहाँ पर ये सारे बटन्स फेदर टच के साथ में हैं, ऑटो ट्यूनिंग और वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले छोटी सी दी है, और ऊपर पूरा ग्लॉसी फिनिश दिया है। ये हजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पर, और ये है AC के कंट्रोल्स, ये आ जाते हैं अपने AC कंट्रोल्स, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का। यहाँ पे मैनुअली AC कंट्रोल्स हैं, ये हॉट यहाँ पर हॉट के लिए है, यहाँ पे ये कूल, और ये पैर वगैरह पे नीचे की साइड में एयर आपको करनी है तो वो इसके लिए यहाँ पर दी गई है। ये चीज़ दी है कि अंदर की हवा और बाहर की जो एयर है वो आप यहाँ से इस गाड़ी में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई AC। अब देखते हैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर है, USB का एक ऑक्स और एक USB, ये दो पोर्ट यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह।
और ये चीज़ दी है काफ़ी सही, जो एयर वेंट्स हैं इसमें ये दिए गए हैं, जिससे आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं वो यहाँ पे ठंडी रह सकें। इसमें जो एसी की कूल जो एयर है वो आती है, जिससे ड्रिंक्स वगैरह को काफ़ी हेल्प मिलती है कूल रहने में। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी अर्टिगा के अंदर। यहाँ पर 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर नॉब यहाँ पर दिया है, नीचे लेदर की जो शीट है वो लगाई गई है। यहाँ पर पूरा लेआउट कुछ इस तरह का है, हैंड ब्रेक जो कि मैनुअल है, और पीछे यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ग्लव बॉक्स ये देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लव बॉक्स की स्टोरेज है, काफ़ी सही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है स्टोरेज में। और ये एसी वेंट्स हैं, 1, 2, 3 और एक ये 4, 4 एसी वेंट्स हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप, देख सकते हैं इधर। और यहाँ पर भी जो वेंट्स हैं वो दिए गए हैं, लेकिन एसी वेंट्स ये नहीं है, इसको ये नॉर्मल वेंट्स बनाए गए हैं। तो ये है डैशबोर्ड का लेआउट पूरा, और इंटीरियर्स रियल में काफ़ी शानदार हैं। यहाँ पर सीट का कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है देख सकते हैं, और चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है सीट की, तो ये चीज़ काफ़ी सही लगती है। और ऊपर की साइड आपको यहाँ पर वेंट्स मिल जाते हैं, इससे जो एयर है वो पीछे की साइड जाएगी कूल के लिए, यहाँ से जो एयर है वो शक इन करेगा और पीछे की साइड में जो एयर है एसी की वो ठंडी ठंडी भेजेगा। तो ये इसके लिए वेंट्स लगाए गए हैं। अब बात करते हैं, ये सन वाइज़र यहाँ पर दिए गए हैं मिरर के साथ में, ठीक है। और इस साइड आपको टिकट होल्डर मिलता है, मिरर नहीं मिलता। ये आईआरबीएम जो कि मैनुअल एडजस्टेबल है, और यहाँ पर एक लाइट दी गई है, ठीक है। और ये माइक लगाए गए हैं छोटे छोटे, यहाँ पर ये माइक हैं। तो ओवरऑल फ्रंट का जो इंटीरियर है, फ्रंट सीट का, वो कंप्लीट है। अब इसके चलते हैं हम सेकेंड रो की तरफ। तो ये आ गए भाई सेकंड रो के इंटीरियर्स, देख सकते हैं कुछ इस तरह की है सीट्स, यहाँ पे सीट्स आती हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में, यहाँ पे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है सभी, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, छठवा, 6 टोटल सीट्स हैं यहाँ पे, और इसमें सभी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट लगाए गए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से आप सेकंड रो की जो सीट है उसमें जा सकते हैं, थर्ड रो की सीट में, देख सकते हैं ये थर्ड रो की जो सीट है कुछ इस तरह की स्पेशियस बनाई गई हैं। अभी हम बैठ के देखेंगे कितनी स्पेस है, चेक करेंगे, पहले ये सेकंड रो कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ये एडजस्ट सॉरी आर्म रेस्ट मिल जाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छी चौड़ी सीट बनाई है, देख सकते हैं इतनी चौड़ी सीट है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। और ये है डोर की डिज़ाइन, सेकंड रो की जो डोर है कुछ इस तरह के यहाँ पर डिज़ाइन दी है, यहाँ पर भी क्रोम फिनिश में हैंडल दिया है, और विंडो अप एंड डाउन करने के लिए हार्ड टच मटेरियल का यहाँ पर भी यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर बोतल होल्डर दिया है अच्छी साइज़ का, और कुछ इस तरह की स्पेस दी है, स्पीकर ग्रिल, ठीक है। अब हम इसके अंदर चलते हैं, बैठते हैं, कैसा क्या है यहाँ पर स्पेस है। ये है लेग रूम, सही है वैसे, काफ़ी सही लेग रूम दिया है, तो देख सकते हैं। और ये इंटीरियर्स हैं कुछ इस तरह के दिखता है डैशबोर्ड, काफ़ी प्रीमियम गाड़ी बनाई है वैसे। और ये है सेकंड रो के लिए एसी वेंट्स, 1, 2, 3, 4 चार एसी वेंट्स यहाँ पर दिए हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे फैन की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर ग्रैब हैंडल है, एक यहाँ पर, तो ये चीज़ हो गई सेकंड रो में। अब आपको ये सीट है वो 60-40 यहाँ पे स्प्लिट मिल जाती है, कुछ इस तरह की यात्री की जो सीट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं उस साइड जाने के लिए, तो ये सीट आगे हो जाती है और आप पीछे की रो में जा सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड रो की सीट पे, वहाँ पर क्या सा क्या है। और हाँ, यहाँ पे नीचे की साइड में आपको
कुछ इस तरह का लेआउट मिलता है। ठीक है, 12 वोल्ट का पोर्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और बीच में कोई ज़्यादा हम्प नहीं है तो दिक्कत नहीं आएगी थर्ड वाले पैसेंजर को बैठने में। तो ये चीज़ हो गई। अब हम इसके थर्ड रो में देखते हैं बैठ के। हैं तो इस तरह से ये रिक्लाइन हो जाती है। इसको आगे करते हैं, ये हो जाती है भाई आगे। तो ये आगे हो गई, फिर आप यहाँ पे थर्ड रो में जा सकते हैं। ठीक है सर, इसमें सीट है, ऐसे कर देता हूँ, ये लीजिए। तो ये हो गई इसकी दोनों सीट्स थर्ड रो के लिए। ठीक है, ये हो गई, ये स्पेस आपको यहाँ पर मिलती है। बैठ के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर ये बैठ के देख लिए हैं अपन। यहाँ पर बैठते हुए फिर हमको स्पेस का पता पड़ता है रियल में कितनी स्पेस है। तो अगर ये जो सीट है वो थोड़ी सी आगे है तो आपको नी रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है, देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर दो बंदे बैठे हुए हैं तो आप एक सीट अगर आपको खाली रखनी है, कुछ सामान वामान भी रखना है, तो आप पीछे बैठ सकते हैं या फिर पीछे यहाँ पर बच्चों को बिठा सकते हैं। ठीक है, तीनों रो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर थोड़ी सी जो मुझे स्पेस है वो थोड़ी सी एडजस्टेबल कम लग रही है, मतलब थोड़ी सी कमी लग रही है स्पेस की, क्योंकि जो मेरी हाइट है वो 5 फुट 10 इंच के करीब है, तो मेरे ये घुटने हैं वो यहाँ पर टकरा रहे हैं। तो यहाँ तक ये एडल्ट के लिए थोड़ी सी, जिसकी हाइट इतनी हो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पीछे यहाँ पर एक कप होल्डर मिल जाता है और ये विंडो अच्छी सी है ना, ये ग्रैब हैंडल, और पीछे के लिए कि ये लाइट यहाँ पर दी है। ठीक है, और एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर, ये विंडो अच्छी है, और एक चीज़ यहाँ पर भी मिल जाती है, बोतल होल्डर। ठीक, और यहाँ पे आप 12 वोल्ट का एक सॉकेट लगवा सकते हैं या फिर USB वगैरह का चार्जिंग वगैरह पोर्ट यहाँ पर लगवा सकते हैं एक। ठीक है, तो ये हो गई सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है इस पर भी, सब चीज़ें। अब हम चलते हैं इसके जो बूट है वो ओपन करके देखते हैं वहाँ पे क्या स्पेस मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं बूट की तरफ। ये इसी तरह से पीछे हो जाएगी और ऐसे एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया भाई बूट, ये है भाई बूट स्पेस, देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्पेस आपको मिल जाता है। काफ़ी कम स्पेस है, वैसे आपके एक दो बैग तो रख सकते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे बैग रख सकते हैं, छोटा बैग है वो भी रख जाएगा, बड़े बैग आप यहाँ से लेके कम से कम नहीं तो दो अच्छे बड़े लगेज आप रख सकते हैं, जिसकी जो चौड़ाई हो इससे ज़्यादा ना हो। तकरीबन 350 लीटर तक का ये बूट स्पेस यहाँ पर दिया गया है, तो इतना कुछ सामान यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं ये है स्पेस। ठीक है, अगर आप सीट को फोल्ड कर देते हैं तो ये स्पेस फ्लैट हो जाती है, फ्लैट एकदम फोल्ड हो जाती है सीट, इससे क्या है स्पेस काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप यहाँ पर कोई बैठा हुआ है तो यहाँ पे आपका लगेज वगैरह आ सकता है आसानी से, यहाँ पर पूरी जगह डली हुई है और सामने की तरफ। ठीक है, ये आपको ये बेनिफिट मिलता है फ्लैट फोल्ड होने का, सीट वो बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पर भी स्टोरेज है, देख सकते हैं ये स्टोरेज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और इसी तरह की स्टोरेज यहाँ पर भी मिल जाती है इस साइड, ये देख सकते हैं इसी तरह की ये स्टोरेज यहाँ पर दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर ये मिल जाती है स्टोरेज यहाँ पर भी। ठीक है सर, तो ये हो गई स्पेस। तो यहाँ से कुछ इस तरह की दिखती है गाड़ी, थर्ड रो से भी अगर आप बैठेंगे तो इस तरह का लेआउट आता है। तो गाड़ी काफ़ी लग्जरी बनाई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, काफ़ी अच्छी गाड़ी यहाँ पर बना के दी है सुजुकी ने। अर्टिगा काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी फेमस गाड़ी यहाँ पर रही है हमेशा से, तो इसमें आपको कोई दिक्कत कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, तो सर ये हो गई हमारे अर्टिगा VXi मॉडल की रिव्यू, ब्रांडिंग। आप हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इस गाड़ी को और हमेशा से ही ये पसंद करने लायक भी है। ABS, EBD और
स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सेफ्टी के फीचर्स में आपको टोटल 6 एयरबैग्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो सेफ्टी के पर्पज से भी आपको ये गाड़ी काफ़ी बेस्ट बैठने वाली है। 983,000 रुपये एक्स शोरूम की कीमत में ये गाड़ी आपको किस तरह की लगी, इंटीरियर एक्सटीरियर ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, तो आप बता सकते हैं गाड़ी को जो पॉइंट्स हैं वो दे सकते हैं, 10 out of कितने पॉइंट आप देना चाह रहे हैं। वाइट कलर में आप ये गाड़ी खरीदिएगा तो काफ़ी अच्छी लगती है, और वैसे इसके और कलर भी आते हैं उनमें भी अच्छी लगती है गाड़ी, ज़्यादातर तो वाइट ही सेल होती है। तो ये था हमारा रिव्यू कार सीरीज़ के द्वारा। तो गाड़ी आपको कैसी लगी और रिव्यू हमारा कैसा लगा, नए अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।